दिल्ली में आयोजित जन आक्रोश रैली में सीएम केजरीवाल ने कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के मजदूरों और अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही टारगेट किलिंग के विरोध में है वो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में कुल 18 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। कश्मीर में जिन लोगों को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी उनकी भी हत्या कर दी गई। कश्मीर जल रहा है और बीजेपी राजनीति कर रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि कश्मीर में भाजपा पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि कश्मीरी पंडितों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और उनकी आवाज़ को सुना जाए। पार्टी पिछले कुछ सप्ताह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के मामलों को उठा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने कश्मीर की स्थिति को लेकर भाजपा पर हमला किया है और हत्या के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से जवाब भी मांगा है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार, अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग, योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास, प्लान बताओ देश को, एक्शन कब करोगे। कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था, और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है, या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। हम सब लोग रोज देखते हैं देश भर में भी बीजेपी को एक ही काम आता है, बस गंदी राजनीति करना, गंदी पॉलिटिक्स। इनसे जितनी मर्जी करा लो, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। गंदी पॉलिटिक्स इनसे जितनी मर्जी करा लो, लेकिन आज मैं इस मंच से हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूं, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। बहुत गलत होगा, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो अपनी। आज इस मंच से हम 4 मांग करते हैं। सबसे पहले भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका, आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है तुम्हारे पास का कुछ प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बॉन्ड साइन किया, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। तीसरी चीज, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी भी डिमांड है वो सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब और दूसरा, कोई भी कश्मीरी पंडित का वहां पे कत्ल नहीं होना चाहिए।